गाइज इस वीडियो में हम लोग एक आम इन्वेस्टर का सबसे प्यारा दुलारा पेनी स्टॉक जिसका नाम है इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी, इसके बारे में बात करेंगे। मैं सबसे प्यारा दुलारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत में जितने भी रिटेल निवेशक हैं, खासकर जो लोग कोविड के बाद शेयर बाजार से जुड़े हैं, उन लोगों का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सुजलोन एनर्जी और इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी में ही है, इसलिए इस पर चर्चा करना भी ज़्यादा खास हो जाता है। चलिए समझते हैं इस पेनी स्टॉक में वर्तमान में चल क्या रहा है, इसकी फ्यूचर क्या होगी, हमें इसमें बने रहना है कि निकल जाना है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ आप में से बहुत से लोगों का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में होगा ही होगा। देखिए, जब से मैं इंडियन इन्फोटेक कंपनी को जानता हूं तब से दो बातें मेरे जहन में है। कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर्स हैं, इस कंपनी को कब से एनएससी पर लिस्ट कराने वाले हैं और इसको आरबीआई से रजिस्टर्ड कराने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी के नाम में सिर्फ सॉफ्टवेयर लगा है। यह कंपनी आईटी सेक्टर से बिल्कुल बिलोंग नहीं करती है। इस कंपनी ने अपना कारोबार शिफ्ट कर लिया है फाइनेंस सेक्टर में। यह कंपनी अब एक एनबीएफसी कंपनी बन गई है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो बैंकों की तरह ही कारोबार करती है लेकिन रियल में बैंक नहीं होती। अब दिक्कत यह है कि भारत में जितनी भी एनबीएफसी कंपनियां होती हैं उन्हें आरबीआई से रजिस्टर्ड होना पड़ता है, लेकिन यह कंपनी अभी तक आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं हुई है और बिना आरबीआई के रजिस्ट्रेशन से ही अभी तक यह कंपनी अपना कारोबार करते चली आ रही है। जब यह कंपनी आईटी सेक्टर से एनबीएफसी कंपनी में शिफ्ट हुई तब कुछ क्वार्टर तक इस कंपनी का कारोबार ठप पड़ा रहा, यानी कि इसके रिजल्ट में कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिला। फाइनली जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं उसमें थोड़ी सी ग्रोथ जरूर देखने को मिली है, लेकिन उस पर बाद में आएंगे। फिलहाल आज का इसका स्थिति जान लीजिए। आज जब मार्केट क्लोज हुआ तब इसका शेयर प्राइस था ₹3.23, 5% की गिरावट के साथ इसने अपना क्लोजिंग दिया, यानी कि यह लोअर सर्किट में अभी चल रहा है और इसका मार्केट कैप कम होकर रह गया है 324 करोड़। आपको पता है कि जैसे जैसे शेयर का प्राइस कम होता है मार्केट कैप भी कम होते जाता है। जनवरी में जब इस स्टॉक ने अपना ₹12.50 के आसपास हाई बनाया था तब इसका मार्केट कैप काफ़ी बढ़ गया था और लग रहा था कि अब कंपनी में ग्रोथ आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि जनवरी में जब इसने अपना हाई बनाया था वो रियल हाई नहीं था, बल्कि उस समय पेनी स्टॉक का एक बूम आया हुआ था, सभी पेनी स्टॉक ने अपना एक नया हाई बनाया था। उसी सिलसिले में इस कंपनी ने भी अपने ₹12.50 के हाई को टच किया था। हालांकि आपको बता दूं कि पिछले कई सालों से 2014 से जब आप देखेंगे तो 2014 से 2021 तक कंपनी में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले, यानी कि शेयर प्राइस बिल्कुल ठप पड़ा रहा। पिछले साल नवंबर से इसमें तेजी आना शुरू हुआ और इस साल जनवरी में इसने ₹12.50 का हाई बनाया और फिर जनवरी के बाद से जब शेयर प्राइस डाउन होना शुरू हुआ तो मार्च से लेकर अभी तक देखेंगे तो यह एक कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है और क्वार्टर फोर के नतीजे आने के बाद तो प्राइस और नीचे ही चला गया है, यानी कि कंसोलिडेशन रेंज में ही और नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं क्वार्टर फोर के नतीजों के ऊपर। देखिए, क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आया उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है जरूर बढ़ा है। रेवेन्यू इसका 2.25 करोड़ से बढ़कर 48.64 करोड़ हो गया है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। जी, ऐसा संभव है। अगर आपके दुकान में बहुत सारे प्रोडक्ट बिक रहे हों इसका ये मतलब नहीं कि सभी पर आपको प्रॉफिट ही हो रहा हो। इस कंपनी का प्रॉफिट 1.66 करोड़ से कम होकर -5.60 करोड़ रह गया है और जब प्रॉफिट नहीं हुआ है तो अर्निंग पर शेयर भी निगेटिव में चला गया है। जहाँ पिछले क्वार्टर तक इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 0.02 पैसा था वो अब कम होकर -0.06 रह गया है, तो ये एक निगेटिव साइन है। लेकिन कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है तो अब थोड़ा सा उम्मीद जगा है कि अगर हम इसमें समय देते हैं तो आने वाले समय में कंपनी का फंडामेंटल थोड़ा बेहतर हो सकता है। फंडामेंटल में और क्या बुरा है वह भी जान लीजिए। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल का -2% है, यानी कि पिछले 3 साल में कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कमा कर कुछ नहीं दिया है। इस कंपनी का जो कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ रिटर्न होता है 3 साल का वह भी -27% है, यानी कि निगेटिविटी से भरपूर है। निगेटिविटी यह भी है कि प्रमोटर्स ने पिछले कुछ महीनों में अपनी हिस्सेदारी घटाई है, इसके बावजूद पब्लिक ने इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है। पब्लिक को पता नहीं कौन सा नशा दिखता है इन सस्ते पेनी स्टॉक्स में, जबकि यह जानते हैं कि इसका फंडामेंटल पिछले कई सालों से बेहतर नहीं हुआ है और दिख रहा है कि प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं, उसके बावजूद पब्लिक ने भर भर के इस कंपनी के शेयर बाय किए हुए हैं। आप पूछ सकते हैं इस कंपनी के बारे में सिर्फ निगेटिव चीज़ें या कुछ अच्छी बातें भी बताओगे। देखिए, अच्छी जानकारियाँ जरूर है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल नहीं है, जबकि इसके पास ₹128 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि कैश पैसा है। कंपनी का बुक वैल्यू ₹2.28 है। यह बहुत अच्छा है कि ₹1 से अधिक स्पेनी स्टॉक का बुक वैल्यू है। इसके अलावा कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी पॉजिटिव में है, हालांकि बहुत कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि निगेटिव में नहीं है। तो कुछ अच्छी चीज़ें इसमें है और जैसा कि मैंने कहा क्वार्टर फोर के रिजल्ट में इसका रेवेन्यू बढ़ा है, तो आपको अगर आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है और आप लॉस में चल रहे हैं तो लॉस में बेचने की गलती मत कीजिए। इतना दिन से रुके हुए हैं तो थोड़ा और समय दीजिए। आने वाले कुछ और क्वार्टर में कंपनी का फंडामेंटल बेहतर होते हुए दिख सकता है। एक बार कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है, क्योंकि रिजर्व तो रेवेन्यू तो बढ़ा ही है, सिर्फ इसका प्रॉफिट बढ़ने का देरी है। जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा और कर्जा तो है ही नहीं, तब कंपनी का बिजनेस अच्छे से चल पड़ेगा, उसके बाद आपको कुछ बेहतर होते हुए दिख सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आया होगा, मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा। फिर भी मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक
डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शेयर बाजार से संबंधित रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।